पिछले टर्म पर आप सभी लोगों को मैंने पीपीएल पढ़ा रखा है। पीपीएल का मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक। उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश सभी दिशाओं में क्या करता है, संचरण करता है। लेकिन यदि उसके आगे हम एक निकोल प्रिज्म रख देते हैं तो प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश केवल एक ही तल में कंपन करता है। कब? जब वह निकोल प्रिज्म से निर्गत होता है तब। और निकोल प्रिज्म से निर्गत होने वाला प्रकाश केवल एक ही तल में कंपन करता है तो ऐसे प्रकाश को हम लोग क्या कहते थे, समतल ध्रुवित प्रकाश। और समतल ध्रुवित प्रकाश क्या कर सकता है, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर या दाईं ओर घुमा सकते हैं। तो उसी के क्रम में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब रूप क्या होता है, यौगिकों का जो प्रतिबिंब रूप होता है वह क्या होता है। तो सीधे सीधे ऐसे लिखना शुरू करिए, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, सुपरिम्पोज नहीं होते। उन्हें दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं, उन्हें दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। अगर आपको मैं फिर से याद दिलाऊं तो आप समझ जाएंगे। देखिए, मैंने उस दिन कहा था कि ये हाथ को ध्यान से देखें। इस हाथ का अगर हम देखें तो दूसरा वाला ये जो हाथ है ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। क्यों दर्पण प्रतिबिंब है? शीशे के सामने जब आप खड़े होते हैं तो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। यहां पर मुख्य तौर से लड़कियां इसको ज्यादातर देख सकेंगी। शीशे के सामने आप खड़े हो जाएं और आपकी नोज पिन को देखिए ध्यान से। अगर इस साइड में है तो वो दिखाई किस साइड में पड़ती, इस साइड में। मतलब दर्पण पे जब आप जाते प्रतिबिंब बनता है आपका तो अभिविन्यास बदल जाते हैं। यही मैंने परिभाषा शुरू में बताई थी कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनकी संरचना सूत्र भी समान होती है, परंतु जिनकी आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। आकाशीय व्यवस्था का मतलब है जिनके अभिविन्यास मतलब परमाणुओं और समूहों के जुड़ने के तरीके में भिन्नता हमको दिखाई पड़ती है। ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविम समावयवी बोलते हैं। और ये देखिए, जैसे अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट आपको ये दिखाई पड़ता है। देखने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन क्या है, ऐसा लगता है कि इसका एक दर्पण प्रतिबिंब है शीशे के सामने रखा हुआ है, ऐसे ही तो प्रतीत होता है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। लेकिन यदि इन्हें हम अध्यारोपित करें, एक दूसरे के ऊपर लेकर के आते हैं तो आप देखते हैं कि अंगूठा अंगूठे के ऊपर नहीं आता। आया? अंगूठा अंगूठे के ऊपर नहीं आया। जो उंगलियां इधर हैं वो उंगलियां इधर भी हैं लेकिन उनके जुड़ने का तरीका अलग है। इधर अंगूठा इधर से शुरू होता है और ये लास्ट तक उंगलियां चलती जाती हैं।
इसमें क्या होता है कि अंगूठा इधर से शुरू होता है और लास्ट तक उंगलियां जाती हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। और अगर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किया जाता है तो ये अध्यारोपित नहीं होते हैं, इसलिए इनको एक दूसरे का क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब रूप बोलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां से ले लूं, आपको मैंने पहले भी बताया है, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं लैक्टिक एसिड का। आप लोगों को लैक्टिक अम्ल आपको इसका सूत्र कायदे से मालूम हो गया होगा क्योंकि मैंने कई बार इसका एग्जाम्पल लिया है। क्या फॉर्मूला है इसका कि CH3, ध्यान से देखिए यहां से, जिससे कि आपको देखने से ही बहुत कुछ मालूम हो जाए, हो गया इलेक्ट्रिक एसिड। थोड़ी सी कल्पना भी हमको करनी होगी क्योंकि हर जगह हम दर्पण लेकर थोड़ी जा पाएंगे, एग्जाम में भी दर्पण लेकर के नहीं जा पाएंगे। तो क्या करना है, देखिए ये क्रियात्मक समूह, ये परमाणु, अगर हम इसके सामने रख देंगे क्या चीज, दर्पण रख देंगे, ऐसे क्या रख दिया हमने, ये दर्पण रख दिया मिरर। और जैसे मिरर रखेंगे तो तुरंत ही आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर का समूह तो ऐसे ही रहने वाला है, जबकि ये समूह क्या हो जाएगा, इसका अभिविन्यास बदल जाएगा, बदल गया। अब थोड़ी सी कल्पना और करनी है कि इसको उठा लीजिए, दिख रहा है यहां पर, अगर आपका माइंड कंसंट्रेट है तो आप इसको देखिए देख सकेंगे कि ये मैंने इसको ऐसे उठा लिया और उठाने के बाद इसके ऊपर ला करके ऐसे रख दी, तो अब आपको क्या मिलेगा कि OH के ऊपर क्या आ जाएगा, H, और H के ऊपर क्या आ जाएगा, OH। मतलब OH के ऊपर OH नहीं आया और H के ऊपर H नहीं आया, दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं आए हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित भी नहीं हुए, नहीं हुए ना। और जब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं तो ऐसे रूप को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब रूप बोलते हैं। याद रहेगा किसे बोलेंगे हम लोग, कि ऐसे यौगिक जो एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, मगर एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एक दूसरे का प्रतिबिंब रूप कहते हैं। अब ये घूमता है दाई तरफ, ये घड़ी की दिशा में इसका डायरेक्शन हो जाता है, इसका रोटेशन जो है, इसका जो घूर्णन है वो किसकी दिशा में है, घड़ी की दिशा में। और जब रोटेशन घड़ी की दिशा में होता है तो उसके नाम के आगे हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। अगर डी लिखने का मन नहीं है तो उसके नाम के आगे क्या लिखेंगे, प्लस। और अगर जब ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है और दर्पण के सामने मैंने रखा इसको है, तो निश्चित है कि इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा। ये क्लॉकवाइज तो ये फिर एंटी क्लॉकवाइज, और जब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो यौगिक के नाम के आगे हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल एल, जिसका मतलब होता है लेवोरोटेटरी, स्मॉल डी, इसका मतलब होता है डेस्ट्रोरोटेटरी, हिंदी बोलते हैं दक्षिणावर्त ध्रुवण गुणक। क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त ध्रुवण गुणक, और इसको बोलेंगे वामावर्त ध्रुवण गुणक। ठीक, तो इसका नाम है डी लैक्टिक एसिड। नोट करते चलेंगे साथ में, एल लैक्टिक एसिड, हो गया। इसके बाद में इसके कुछ गुण होंगे, उन गुणों को हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से गुण हैं। प्रॉपर्टीज, पहला गुण, इसका पहला गुण है कि इनके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं।
नंबर एक, इनके भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं। इनके भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक। दूसरा, ये स्थायी यौगिक होते हैं तथा त्रिविम में इनके विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं। त्रिविम में इनके विन्यास कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। क्या पढ़ा आपने? सबसे पहले आपने पढ़ा कि प्रतिबिंब रूप क्या होता है। प्रतिबिंब रूप आप लोग जान गए, किसको बोलेंगे? ऐसे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, उनको क्या कहते हैं? एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब या प्रतिबिंब रूप बोलते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया लैक्टिक एसिड का, आपने देखा। उसके बाद में इसके कुछ गुण हैं। पहला गुण मैंने क्या बताया कि इनके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। दूसरा कि ये स्थायी होते हैं तथा त्रिविम में इनके विन्यास कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। आपने लैक्टिक एसिड में देखा विन्यास कैसे थे इनके? भिन्न भिन्न होते थे। अगला पॉइंट है कि सामान्य दशाओं में इन्हें एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सामान्य दशाओं में इन्हें एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। चौथा पॉइंट इसका है कि इनके गलनांक, इनके विलेयता और इनके रंग समान होते हैं। इनके गलनांक, विलेयता, रंग तथा अम्ल क्षार के प्रति क्रियाशीलता समान होती है। इनके गलनांक, विलेयता, रंग तथा अम्ल क्षार के प्रति क्रियाशीलता समान होती है। समतल ध्रुवित प्रकाश, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीएल, के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। हो गया, बात समझ में आ गई? नहीं समझ पाए कि प्रतिबिंब रूप क्या होता है? क्या बताया मैंने
ऐसे सभी यौगिक जो क्या होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, परंतु एक दूसरे पर वे अध्यारोपित नहीं होते हैं, उनको क्या कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। इनके लक्षणों पे आ जाइए, क्या लक्षण है इनके, कि भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। दूसरा क्या है, ये स्थायी यौगिक होते हैं लेकिन त्रिबिंब में इनके अभिविन्यास कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। सामान्य दशाओं में इन्हें एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि डी लैक्टिक एसिड को एल लैक्टिक एसिड में और एल लैक्टिक एसिड को डी लैक्टिक एसिड में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इनके गलनांक, विलेयता, रंग तथा अम्ल क्षार और घनत्व के प्रति क्रियाशीलता जो होती है वो कैसी होती है, समान होती है। पीपीएल के प्रति इनका व्यवहार कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। याद हो जाएगा आपको, यहां से एक नोट लिख दीजिए, जो प्रतिबिंब रूप, नोट नंबर एक, जो प्रतिबिंब रूप पीपीएल, पीपीएल मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड को दाईं ओर, घुमा देते हैं, उन्हें दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक कहते हैं तथा इनके नाम के आगे, नाम के आगे क्या लगाएंगे, डी, और या फिर क्या लगा देंगे, प्लस लिखा जाता है। तथा जो प्रतिबिंब रूप पीपीएल को बाईं ओर, घुमा देते हैं, उन्हें वामवर्त या वामावर्त ध्रुवण घूर्णक कहते हैं और इनके नाम के आगे एल या माइनस लिखा जाता है। जैसे डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड हो गया नो। नोट नंबर दो,
जल्दी से नोट करिए, बिगाड़ दे इसको। दोनों प्रतिबिंब के समान मिश्रण को रेशमिक मिश्रण कहते हैं। दोनों प्रतिबिंब से मतलब यहां पर है कि डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड, या डी रूम तथा एल रूम। तो चाहो तो यहां पर ब्रैकेट में आप लिख दो यहां से कि डी रूम व एल रूम को क्या बोलेंगे, रेशमिक मिश्रण बोलेंगे। और बाह्य प्रतिकारता के कारण ये पीपीएल को घुमा नहीं पाते हैं। तब अतः ये ध्रुवण आघूर्णक कहलाते हैं। और इनके नाम के आगे DL या फिर प्लस माइनस लिखा जाता है। क्या मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को प्रतिबिंब रूप समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अगर प्रतिबिंब रूप समझ में आ गया है तो फिर अगली चीज इसकी रहेगी अप्रतिबिंब त्रिबिंब समावेश। एक तो प्रतिबिंब रूप हो गया और एक दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अप्रतिबिंब रूप। ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। हो गया, अप्रतिबिंब रूप लिख दीजिए। हम बोल सकते हैं यहां से किसी यौगिक के ऐसे प्रकाशिक समावयव जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, किसी यौगिक के ऐसे प्रकाशित प्रकाशित
समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, प्रतिबिंब तो आप समझ चुके पहले से ही हैं, दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, उन्हें अप्रतिबिंबतम त्रिबिंब समावयवी कहते हैं। त्रिबिंब समावयवी कहते हैं। एक एग्जाम्पल यहां से ले लें, फॉर एग्जाम्पल 3 bromo 2 but 3 bromo but 2 all। इसे देख लेते हैं हम लोग यहां से, OH H और 3 नंबर पे क्या लगा देंगे, ब्रोमीन। इसके हम लोग कई रूप बना लेंगे, जैसे देखिए यहां से अगर इसके आगे हम क्या लगा दें, यहां से क्या लगा देंगे, दर्पण, तो क्या हो जाएगा यहां, ये अभिविन्यास क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। बदल गए तो ये तो एक दूसरे के क्या हो गए, दर्पण प्रतिबिंब हुए भी नहीं हुए। अगला देखते हैं एक सेट और, यहां पर भी दर्पण लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, जरा पहचानने की कोशिश करिए, एक रूप ही हो। अब इसमें से अगर आप देखो क्या चीज, ये वाला देखिए, इसको उठा के इसके ऊपर रख दीजिए, क्या अधरोपित हो जाएगा, अधरोपित नहीं हो जाएगा। इसको उठा के इसके ऊपर रख दीजिए, क्या अधरोपित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जरा लिख लीजिए फिर बताए इसके आगे, इसका नंबर दे दीजिए फर्स्ट, इसको नंबर दे दीजिए सेकेंड, इसको नंबर दे दीजिए थर्ड और इसको नंबर दे दीजिए फोर्थ। सेकेंड वाले का दर्पण प्रतिबिंब है कि नहीं, फर्स्ट। इसी प्रकार फोर्थ वाले का दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है, थर्ड हो जाए।
अतः चारों समावयवी प्रतिबिंब रूपों के कितने सेट बनते हैं यहां पर? एक सेट तो ये बन गया और दूसरा सेट वो बन गया। फर्स्ट और थर्ड की तुलना कर लीजिए, ये ले लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। यहां पर एक मिनट के लिए प्रिंट आउट दीजिए। अब यहां पे तुलना करना है किसकी? फर्स्ट और थर्ड, इसकी और इसकी। तो अगर इसको देखिए आप यहां से, तो इसका अर्थ सूत्र कैसा है? जैसा इसका अर्थ सूत्र है कि नहीं? अगर इसकी और उसकी बात करें तो क्या ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है? नहीं है, नहीं है ना? क्यों? क्योंकि यहां पे OH इधर है, यहां पर VR इधर, और यहां पे क्या है? OH और VR दोनों एक ही साइड में। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे जैसे दिखाई नहीं पड़ते। ये कैसे हैं? देखने में भिन्न है, इसलिए इसका अप्रतिबिंब रूप कौन सा हो जाएगा? ये वाला। और इसका अप्रतिबिंब रूप कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। ठीक, इन्हें हम लोग बोलते हैं अप्रतिबिंब रूप। समझ गए बात को? नहीं समझ गए? ठीक, तो लिख दीजिए फर्स्ट और थर्ड। ना तो दर्पण प्रतिबिंब है और ना ही एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। अतः ये अप्रतिबिंब त्रिबिंब समावयवी अप्रतिबिंब त्रिबिंब समावयवी इसके गुण जल्दी से लिख लीजिए। नंबर एक, इनके गलनांक, क्वथनांक, विलेयता गलनांक, क्वथनांक, विलेयता आदि में भिन्नता पाई जाती है। पहले क्या था? समानता पाई जाती थी। नंबर दो, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब रूप क्या होता है और अप्रतिबिंब रूप क्या होता है। कल इसके आगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सीक्वेंस रूल, अनुक्रम का नियम।
अकॉर्डिंग टू कॉम इन गोल्ड और प्रीलॉग का नियम है, वो आपको ये बताएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारा यौगिक जो होता है किस प्रकार से दाईं ओर घूमता है और किस प्रकार से बाईं ओर घूमता है। इसको जानने के लिए, अनुक्रम के नियम को पढ़ने के लिए आप अगले दिन का इंतजार करिए। अगली वीडियो में हम आपको यहां आके वेट कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक। अगले दिन हम आपको अनुक्रम का नियम पढ़ाएंगे और उसकी एक बहुत आसान सी तकनीकी भी बताएंगे जिसकी सहायता से आपको वो नियम याद रहेगा और लगातार हमारी वीडियो को आप कंटिन्यू देखते चले, जिससे कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता चलेगा। मैं इतना ज्यादा बर्डन नहीं करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो, धीमे धीमे कर करके आपको पूरी चीजें मैं पढ़ा दूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।